पति के भाई पर आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। 400 करोड़ का बेनामी प्लॉट जब्त। आयकर विभाग ने गुरुवार को बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा में 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बताया जा रहा है कि ये संपत्ति बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी की है। आयकर विभाग ने नोएडा में 28,000 वर्ग मीटर की जमीन भी सील की है, जिसकी सरकारी कीमत 400 करोड़ रुपए आंकी गई। ये प्लॉट दिल्ली से सटे नोएडा में है, लेकिन अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत कई गुना ज्यादा होने की संभावना है। आनंद कुमार के खिलाफ बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 2017 में आयकर विभाग ने उनसे पूछताछ की थी। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक आनंद कुमार ने दिल्ली के व्यवसायी एसके जैन के सहयोग से कई हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति जुटाई थी। इस मामले में एसके जैन को वोगस कंपनी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता के इस बेनामी प्लॉट को जब्त करने का आदेश 16 जुलाई को विभाग की दिल्ली स्थित बीपीयू ने जारी किया था। इसके बाद आज यानी 18 जुलाई को आयकर विभाग ने प्लॉट को जब्त कर लिया है। आनंद कुमार ने वर्ष 2017 से लेकर साल 2012 तक बेनामी संपत्ति बनाई थी। ये वही दौर था जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। क्या है मामला? मायावती के मुख्यमंत्री रहते आनंद कुमार की संपत्ति में कई गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई। आनंद कुमार की संपत्ति में 18,000 फीसदी का इजाफा हुआ। वर्ष 2007 से 2012 के बीच आनंद कुमार की नेट वर्थ 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,316 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। आनंद कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने बोगस कंपनियां बनाकर कई हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई। आनंद ने नोटबंदी के दौरान इन्हीं फर्जी कंपनियों की सहायता से करोड़ों रुपए बदलवाए थे। बसपा के उपाध्यक्ष हैं आनंद कुमार। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने संगठन में फेरबदल करते हुए भाई आनंद कुमार को बसपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही आनंद कुमार के बेटे को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा आनंद के खिलाफ कार्रवाई की तपिश पार्टी भी महसूस कर सकती है। ईडी भी अब कार्रवाई की तैयारी में। अब आने वाले दिनों में बसपा के उपाध्यक्ष आनंद कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ईडी भी कार्रवाई की तैयारी में है। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था, अब वो इसमें तेजी लाने की तैयारी कर रही है। आनंद कुमार पर की गई इस कार्रवाई की आंच बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंच सकती है। खासकर विधानसभा उपचुनाव और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।